नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी का बड़ा बयान आया और उसने नेपाल को विजेता बताया। जी हाँ, हम सभी को पता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ नेपाल सिर्फ एक रन से चूक गई, या फिर ये कहे कि सिर्फ दो इंच से चूक गई सुपर ओवर जाने से। और अगर इस मैच को जीतते, एक रन वो बनाते तो वो ना सिर्फ सुपर ओवर जाते, हो सकता था वहाँ जीतते और फिर सुपर एट भी चले जाते, क्योंकि इनको हराने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो बांग्लादेश को ना हरा पाते। और इसी के बाद लगभग पूरा क्रिकेट वर्ल्ड नेपाल को शुभकामनाएं दे रहा है कि आप एक अच्छी टीम हो, आप सर को डाउन मत करिए, सर को उठाइए, ऊंचा करकर चलिए। यहाँ पर हर्षा भोगले ने और बहुत तमाम दिग्गजों ने, और यहीं पर अब खुद एक साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी डेल स्टेन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के नेपाल के फैंस हैं, जिस तरह से उनकी टीम खेली है, मेरे ख्याल से उनको ही जीतना चाहिए था, रियल विनर वही थे और वो जीतना डिजर्व करते थे, जो कि दिखाता है कि नेपाल क्रिकेट क्या है और नेपाल क्रिकेट के फैंस क्या हैं। और यही कारण है कि सभी जो है नेपाल को लगातार प्रेस कर रहे हैं। लेकिन क्या जो ये सिर्फ प्रेस करना है वो काफ़ी होगा, क्योंकि वो तो हम एशिया कप से देख रहे हैं 2022 से, जहाँ पर नेपाल को कहा गया कि हाँ अच्छी टीम है, जब टीम इंडिया को टक्कर दी वहाँ पर बढ़िया खेल दिखाया, ऑल आउट भी नहीं हुए, 200 से ऊपर रन ले गए टीम इंडिया जैसी टीम के खिलाफ, वो भी ODI मैच में, और उसके बाद भी लगातार अच्छा किया। तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि नेपाल की टीम अच्छी है, यंगस्टर हैं, अगले कुछ सालों में अच्छा करेंगे। लेकिन वो कब अच्छा करेंगे? जब आप एक्सपोजर दोगे। वो तो सारे के सारे मैच डेज में खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पर उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि लाइट्स वगैरह हों, बहुत बेहतरीन स्टेडियम नहीं है, तो वो उस तरह के स्टेडियम में खेले हुए हैं और फिर सीधे आप ला के फ्लड्स लाइट्स में उनको खिलाते हो, जहाँ पर सारी लाइट्स ऊपर से आ रही हैं, नाइट में मैचेस खेलते हैं, और उसके बावजूद अफ्रीका जैसी टीम को एकदम से ऑलमोस्ट हरा देते हैं। सिर्फ एक रन था जहाँ से चूक गए, वो भी हरा ही दिया था, थोड़ा सा बीच में कोलैप्स होता है, इसी की वजह से वो हार जाते हैं। तो आप उनको वो एक्सपोजर कब दोगे? हम देखते हैं कि इंग्लैंड जैसी टीम जो है वो अपने आसपास के पड़ोसियों से खेलती हैं, यहाँ पर स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इनके मैचेस इनसे होते हैं, और तो इंडिया भी खेलती है आयरलैंड जैसी टीमों से, और यहाँ तक कि जिम्बाब्वे से इंडिया खेलती है। लेकिन क्या नेपाल से नहीं खेलना चाहिए टीम इंडिया को या और पाकिस्तान को? अब जब आप बड़ी टीमें हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपके छोटे नेशंस हैं और इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, इतना प्यार है क्रिकेट के लिए उनके पास, तो क्यों ना खेलें उनसे? जबकि आयरलैंड वगैरह में इतना प्यार तो नहीं है क्रिकेट के लिए जितना नेपाल के में दिख रहा है हमें, तो क्या इनको नहीं जाना चाहिए? और जाना ज़रूर चाहिए, तभी ये नेपाल क्रिकेट ग्रो होगा। नहीं तो आप ये एकाध मैच आएंगे, अच्छा करेंगे, आप प्रेस करोगे, फिर भूल जाओगे। एशिया कप के बाद सब भूल गए थे, लेकिन फिर यहाँ पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो सब ने फिर याद किया। तो वही चीज़ है कि नेपाल को एक्सपोजर दो, उनसे मैचेस खेलो, एटलीस्ट नहीं अपनी ए टीम तो बी टीम भेजो, सी टीम भेजो, उनको खेलने का मौका तो दो, उनसे टूर तो करो, तब आप देखेंगे कि नेपाल क्रिकेट वाकई वास्तव में ग्रो करके सामने आएगा और एक अच्छी टीम बनकर सामने आएगा, जिस तरह से हमने अफगानिस्तान को देखा है। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए BCCI को भी, PCB को भी, मैं कहूँगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी। भले ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन नेपाल से भी काफ़ी ऊपर है, जिस तरह से पिछले कुछ टाइम में उन्होंने भी अच्छा किया है, हालांकि मतलब थोड़ा डिप ही किया है बांग्लादेश ने, लेकिन फिर भी उनको आना चाहिए इन सारी चीज़ों के सामने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना, आप बताइए क्या आपको लगता है वाकई में नेपाल की मदद करने आएंगे जो भी एशियाई कंट्री हैं या फिर नहीं, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताइए।